क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से गेम प्ले करने वाले बुली एनिवर्सरी एडिशन का। एंड गाइस, आपने अगर पिछला पार्ट नहीं देखा तो आई बटन में आ रहा होगा लिंक, तो आप जाके जरूर जाके चेकआउट करिएगा। मैं पूरा 1 से लेकर के पूरा 0 तक का जितना भी इसका एडमिशन होने वाला है मैं सब कंप्लीट करने वाला हूँ इसका सीरीज में। तो मेक श्योर आप यार पूरा सीरीज जरूर देखिएगा। और आज हम लोग इसका करने वाले 4th पार्ट, तो देखते आज का हम लोग को क्या क्या टास्क दिया जाता है और क्या क्या चीज़ किया जाता है। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको एक लड़की का डायरी वापस किया था, आपने अगर नहीं देखा तो जाके एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो यार हम लोग फिर से एक बार चलते देखते आगे चल के हम लोग और क्या क्या यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बेसिकली यार ये स्कूल में यार मुझे बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि आपको रोजाना कुछ नया और कुछ हटके यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और चलो आज यार देखते क्या यहाँ पे देखने के लिए हम लोग को मिलता है। ओके, तो यार देखो हम अपना जाते हैं बॉयज़ रूम में जाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को कुछ ये करने के लिए टास्क है, तो देखते हैं यहाँ पे हमको क्या दिया जाता है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ काम करने के लिए दिया जाएगा। सो गाइज यहाँ पे क्या बाकी को यहाँ पे हेल्प करना है बेसिकली। बाकी मतलब एक लड़का है जिसको यार सब लोग यार तंग कर रहे हैं, वहाँ पे जो सीनियर होते हैं ना वो तंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके हमको हेल्प करना है उसका और उसको यार बचाना है। क्योंकि यार सब लोग सीनियर आपको पता है जब तंग करते हैं तो किसी का भी नहीं सुनते। और ये जो हमारा जिमी है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड़का है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ओके स्क्रीन में। तो हम लोग यार यहाँ पे चलते, तो यहाँ पे हेल्थ भी दिखा रहा है बाकी का, तो आप देख सकते धीरे धीरे मतलब कि उसको फाइट कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इन लोग को देख सकते हैं हेल्थ भी इसका डाउन हो रहा है। तो उसको क्यों मार रहे हो यार, छोड़ दो उसको छोड़ दो, तुम उसको मारो मत। ओके, तो बेसिकली देखो हमको यहाँ पे कुछ ये गिर गया और दूसरा कहाँ गया। ओके, रुको ये उठाने दो हमको। ओके, तो मैंने यार ये वाला उठाया है। ओके यार देखो यार इसका क्या, ओके मज़ा आ गया यार इसे मारने पर, बहुत ही मज़ा आ रहा है ये बैट से मुझे मारने में यार, बहुत ही मज़ा आया। और आगे भी और भी बंदे हो। ओके आगे भी यार, अच्छा यार मत मारो यार उसको, काहे परेशान कर रहे हो तुम लोग, एक सीधा साधा लड़का को तुम परेशान कर रहे हो तुमको। अरे मेरे को ही मार रहा है यार उल्टा लड़का एकदम। लो इसका फिनिशर शॉट, ये जो इसका फिनिशर शॉट है ना गाइस बहुत ही अमेजिंग है ये लड़का का जिमी का। अच्छा इधर भी है यार तुम। ओके अरे तुम उसको परेशान कर रहे हो, फिर से तुमको मना किया ना, ले फिर से फिनिशर शॉट। देखो यार ये क्या इसका फिनिशर शॉट है, मुझे यार बहुत ही मज़ा आता है इसका फिनिशर शॉट देखने में। तो चलो यहाँ से इसका जो हॉकी स्टिक है जो हम लोग उठा लेते हैं। एंड यहाँ पे फिर हम लोग को यहाँ पे इसका जो गराज है इसको ओपन, शायद इसको गराज से कुछ सामान लेना है, तो चलो हम लोग यहाँ से गराज से सामान ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग चलते हैं। ओके, तो बेसिकली ये सामान यहाँ से ले लिया है, अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर हॉकी स्टिक उठा लेता हूँ, बाई चांस कोई बीच में अगर आए तो उसको यार लपेड़ दूंगा इसके साथ। अच्छा आ गया यार तुम, साउंड सुनो यार जब मैं मारता हूँ इसका साउंड सुनो, क्या गजब का साउंड आता है। ओके अब इसको साथ में मारो। ओके अब मुझे मज़ा आ रहा है यार, इसमें मज़ा आ रहा है बेसिकली मार धाड़ में, मुझे बहुत ही मज़ा आता है, इसको भी बहुत ही मज़ा आता है मार धाड़ में। ओके, इसको मैं फिर से उठा लेता हूँ। चलो अरे यार यहाँ पे तो बंद हो गया डोर। ओके, हम लोग यार फंस चुके हैं यहाँ पे, बंद हो गया डोर, अब इसको यार ओपन कैसे करेंगे। ओके, तो ये जो थे हमारे हेल्प किए, जो अंकल बोलो या फिर चाचा बोलो जो भी है बूढ़े जैसे, तो उसने हेल्प किया था क्योंकि यार आपने पहले वाला पार्ट में देखा होगा कि इसको मैंने रेडियो ला के दिया था, तो यार तब से मुझे ये जान पहचान है इन अंकल से, तो ये मुझे हेल्प किए। और बेसिकली हमको यहाँ पे एक स्केट बोर्ड देखने के लिए मिल गया। वाह, अब यार और भी मज़ा आएगा स्कूल में घूमने में, स्केट बोर्ड से घूमेंगे यार, सोचो क्या अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा लोगों में। देखो यार स्केट बोर्ड हम लोग को मिल गया, क्या मज़ेदार ये स्केट बोर्ड चल रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ से चलेंगे तो डिजिटल यहाँ पे कर लेते। ओके, तो देखो यार हमको स्केट बोर्ड यहाँ पे मिल गया, तो अब हमको यार जब बाकी ऑर्डिनरी बच्चे लोग की तरह हम घूमेंगे नहीं, अब स्केट बोर्ड से डायरेक्ट घूमा जाएगा, अलग ही थोड़ा अलग ही लेवल का बात हो गया ये। अच्छा गाइज अब हम लोग चलते हैं एंड देखते हैं, रात का 7 बज गए और देखो यार रात भी बहुत ही हो चुकी है, सारे क्लासेस सब चीज़ ख़त्म हो चुके हैं, तो चलो यार यहाँ पर हम लोग शायद सो जाते हैं यार, क्योंकि यार सोने का तो अभी मूड हो नहीं रहा क्योंकि यार इतना लेट भी हुआ नहीं है, तो यार स्केट बोर्ड अभी मन नहीं कर रहा चलाने का और कुछ मिशन भी अभी देखने के लिए नहीं है यहाँ पे, अब यार सब अभी मिशन भी खाली है। ओके, तो चलो यार यहाँ पे चलते, शायद सोने का ट्राई करते तो सो ही जाते हैं, कल सुबह से फिर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यार आपको भी पता है थक जाता है बंदा तो कोई काम भी नहीं कर पाता और बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। ओके, तो बेड में चलो यार, बेड में स्लिप करो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब सोने जा रहे हैं और कल सुबह उठते हैं और फिर से हम लोग यार अपने डेली रूटीन में लग जाते हैं, अपना स्कूल अटेंड करेंगे, फिर बाद में फिर मिशन करने लगेंगे जिससे हमको थोड़े बहुत अर्न हो जाए और पैसा भी हम लोग का हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे उठ चुके हैं और चलो यार जल्दी चलो, अब जल्दी से यहाँ से हम लोग चलते हैं और बाहर चलते हैं एंड देखते हैं कि बाहर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर शायद एक मिशन दिखा रहा है, तो चलो मिशन ही एक बार कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि क्लास स्टार्ट होता है 9 बजे से
और यार मैं तो स्केटबोर्ड भूल ही गया था, तो स्केटबोर्ड यार मिलने के बाद थोड़ा अलग ही हो गया। और जैसे कि आप लोगों को नहीं पता होगा, तो हम लोग का जो स्कूल का टाइमिंग होता है, जो क्लासेस का टाइमिंग होता है, 9 बजे से स्टार्ट होता है, तो हम लोग 9 बजे अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये यार मुझे तंग क्यों, ये सब जितने भी जो व्हाइट यूनिफॉर्म के होते हैं वो हम लोग के सीनियर होते हैं, और वो यार हमेशा तंग करते रहते हैं जूनियर लोग को, खास करके जूनियर लोग को तंग किया जाता है, उससे पैसे लिए जाते हैं। और यहाँ पे कुछ पोस्टर क्लास प्रेसिडेंट, ओके तो इसको है कि क्लास प्रेसिडेंट बनने का, और यहाँ पे पोस्टर भी इसका लगाया जा रहा है। तो यार कुछ काम करना है यार, बहुत ही जल्दी काम करना है, यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है। ओके तो हम लोग को कुछ यहाँ पे काम करना है, लिमिटेड टाइमिंग है। अरे यार ऊपर जाना होगा, यही तो मुझे सिस्टम, ये यहाँ का ये मैप का सिस्टम अच्छा लगता है कि इसके ऊपर जाया जाता है। ओके ओके तो ये रूम में जाना है। ओके ये रूम में जाने के बाद क्या करना है यार। ओके तो ये परफॉर्म करने वाला है और बहुत लोग आके इसको चिढ़ाया जाएगा। मुझे यार समझ में आ गया कि ये जो परफॉर्म करेगा, ये मतलब कि भोला वाला बच्चा जो होता नहीं है, जो नॉर्मल सा डरपोक जैसे बच्चा होता है वो है, और ये परफॉर्म करने वाला है। बस पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, ये परफॉर्म करने वाला है, और यार अगल बगल आ करके इस सब जो इसके जो होते हैं ग्रुप होते हैं या फिर तंग करने वाले हैं। तो देखो यार यहाँ से ग्रुप स्टार्ट भी हो गया तंग करना, तो मुझे यार गुलेल से इसको करना है, क्योंकि यार तंग करेंगे तो मुझे यार भगाना है, क्योंकि यार ये लड़का जो है बहुत ही डर जाएगा जब अगर सब कोई तंग करता है। बेसिकली आप कोई परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज में या फिर कहीं भी परफॉर्म करते हैं, तो कोई भी अगर आपको तंग करेगा तो यार थोड़ा अंदर से लगता है ना कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो ऐसे इन लोग कॉन्फिडेंस लूज़ करने के लिए आए, बेसिकली इसके ऊपर टमाटर या फिर वो सब चीज़ सामान फेंकने के लिए आए। तो हम लोग यार जल्दी से जल्दी, बेसिकली सबको अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा है, और ये लोग यार सीनियर लोग इसको परेशान करने आ गए, बट हम लोग तो यार अच्छाई के साथ है, तो अच्छा ही करेंगे यार हम लोग। तो यार देखो सब लोग यार इन लोग कहा ही नहीं समझ रहे, और बहुत लोग ज़्यादा देखो ऊपर से चढ़ के आ रहे हैं यार, ऊपर से चढ़ के आ रहे हैं, सोचो ज़रा सा। अच्छा मैप में भी दिखाया था कि कहाँ से लोग आ रहा है, तो यार चलो और भी देखते हैं और कहाँ से लोग आ रहा है। अरे यार दो दो जगह से आ गया। अरे यार देखो उसको फेंक रहा है। तो ये सब फेंकने से यार इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अंदर से होता है ना एम्बैरेसिंग, और फिर बहुत अलग फील होता है कि भाई देखो हमको तंग कर रहे स्टेज में, और से इसको फील हो रहा है, और मैं जब तक इन लोगों को रोकूंगा नहीं तब तक यार ये लोग बाज नहीं आएंगे, सबके साथ ऐसे ही करेंगे। देखो यार फिर यहाँ से भी ये कितने लोग हैं यार, जाओ भाओ यहाँ से, सब लोग उठ के आ गए। और बेसिकली जो मैं प्रोटेक्ट करूँगा ना इसके मुझे पैसे भी मिलेंगे, तो और क्या बात है यार, अच्छा काम भी हो जाएगा और एक पैसे भी निकल जाएंगे, इससे अच्छी बात क्या हो जाएगी। ओके तो चलो यार फिर से यहाँ से एक और आ गया ना, शर्म ही नहीं यार तुम लोग को, यार एकदम शर्म ही नहीं है तुमको, क्या पता वो कितना तैयारी करके यार तुम यहाँ पे, यार तुम बस आ करके हंस रहे हो, उसके ऊपर टमाटर फेंक रहे हो, सामान फेंक रहे हो, तुमको पता भी है, देख सकती है स्पीच दे रहा है, बेसिकली यार स्पीच दे रहा है। और यार देखो यार फिर चिढ़ाने के लिए आ गया, देखो तुम यहाँ पे चिढ़ाने के लिए आ गया था, कुछ मास्क वास्क पहन के, कैसा आदमी लोग यार स्कूल में, यार यही सब दिक्कत होता है स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, लोग एक काम करते तो उसको चिढ़ाने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, तो ऐसा इसके साथ भी हो रहा। देखो यार फिर यहाँ पे भी चिढ़ाने के लिए सब आ गया, ऊपर भी है यार, देखो यार इसको सब चोट पहुँचा रहा है इसको, तो इतना लोगों को मैं भगा दिया यार, अब तो यार बंद कर दो यार, अब तो बंद कर दो। और बेसिकली देखो सब ताली मार रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यार ये अच्छा कर रहा है, अच्छा स्पीकर है, और बेसिकली हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, और यार ये हम लोग का पूरा स्पीच ये दे दिया है, और जितना भी लोग यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा था इसका स्पीच में तो सबको हटा दिया। और बेसिकली ये बोल क्या रहा है कि भाई देखो हमको वोट करो, हम प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, इसका स्पीच इसके ऊपर था, और यार ये अच्छे से स्पीच दे दिया तो शायद इसको वोट मिल जाएगा और प्रेसिडेंट बन जाएगा। और हम लोग का यार यहाँ पे जो होता है ना ये दूरबीन दूर से मारने वाला, वो भी हम लोग का अनलॉक हो चुका है, एक चीज़ मिला है, देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ मिला, तो हम लोग इसको निशाना बना के मार सकते हैं। दूरबीन से अलग है यार, इसमें आप निशाना लगा के मार सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे निशाना आप लगा के मार सकते हैं। ओके तो हम लोग यार बहुत सारा सामान हो चुका है हम लोग के पास, तो हम लोग यार स्केटबोर्ड सब हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये काम करने में पैसे भी मिल गए और इसके और फिर एक दूरबीन वाला सामान भी हम लोग को मिल गया इक्विपमेंट, तो यार इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो चलो यार बाहर चलते हैं, और भाई देखो इतना जल्दी यार फिर से रात हो गया, या फिर मौसम आज का यार बहुत ही ख़राब चल रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मौसम यार बहुत ही ख़राब चल रहा है। अरे यार ये क्या है यार, ऊपर साइड देखो पुतला रखा हुआ है। चलो यार एनीवेज चलो हम लोग, यार शायद कुछ है यार आज, तो चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, एंड देखो यार आज तो कुछ है, लगता है हेलोवीन है।
अरे यार आज तो हेलोवीन का है, आपको हेलोवीन नहीं पता होगा। बेसिकली बाहर कंट्री में हेलोवीन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज का हेलोवीन का दिन है और आज की रात में सब घूमते देख सकते हैं ड्रेस पहन के। तो मैं भी एक भूतिया ड्रेस पहन के निकल गया हूँ। और हेलोवीन में होता है क्या कि आप यार भूतिया कपड़ा पहन के बाहर निकलते हो, सबको डराते हो, जैसे कि देख रहे हैं सब लोग यार अलग अलग कपड़ा पहन के निकले हुए। ओके तो यार ये मुझे कुछ काम करने के लिए देगा, तो चलो हम लोग यार यहाँ पे काम करते हैं उसका। ओके ओके तो कुछ कुछ लोग मुझे परेशान, जैसे कि ये सबको यार करने के लिए मुझे काम देगा, तो चलो यार जल्दी चलते हैं। किसी के पीछे भी ये पोस्टर लगा देने के लिए किक मी। अरे यार इसको नहीं था यार, अरे भागो यार मेरे पीछे लग गया। तो करना क्या है कि ये मुझे एक लेटर दिया है जिसके पीछे हम लगा देंगे। अरे यार ये परेशान, ये तो यार एस्ट्रोनॉट क्या कर रहे हो यार। अरे यार मैं तो इसे तुम यार कभी कभी यार बहुत लोग यार पंगा ले लेते ना, गुस्सा आता मेरे को एकदम। इधर से भी मार रहे यार सब लोग यार आज के दिन, मुझे तो गुस्सा आ रहा ना मैं बता नहीं सकता। अरे यार उसका मेरे साथ वो भी गिर गया। अरे यार ये क्या हो गया यार आज के दिन, बैक यार पूरा दिन बर्बाद कर देगा लड़ाई पीट में। हटो यार तो यार भागते और फिर कोई ना कोई मुझे काम ज़रूर देगा आज के दिन परेशान करने के लिए। तो यार चलो यार इतना परेशान नहीं करना मुझे यार। तो कुछ तो गिर गया वहाँ पे फिर से जाते और फिर वो सामान उठाते हैं इसके पास से और ये बेसिकली मुझे कुछ सामान देगा ही देगा। तो लेटर दिया है कि किसी के पीछे भी, ये जो पेज उसमें लिखा हुआ किक मी, तो किसी के पीछे भी मैं ये लगा दूंगा तो उसका यार मजाक बहुत ही अच्छा उड़ेगा। तो इसके पीछे लगा के देखो क्या, लेके देखो क्या, स्कूल में ये सब बहुत चलता है। देखो यार मैंने यहाँ पे लगा दिया पीछे किक मी, प्रैंक कर दिया इसके पास और सब यार यहाँ इसके पीछे किक मी करेंगे। ये कि स्कूल या फिर कॉलेज में जादू होता है कि किसी के बंदे के ऊपर एक पोस्टर लगा दो या फिर पेपर लगा दो और लिख दो किक मी, तो यार सब किक करते उसको। तो इस ये भी मुझे एक काम करने के लिए बोल रहा है, तो चलो इसका क्या काम है बताओ। ओके तो अंडा फेंकना है मतलब कि तीन स्टूडेंट के ऊपर, कोई बात नहीं यार हम लोग फेंक देंगे, इतना क्या दिक्कत है। अरे यार कितना मज़ा आ काम है ये सब काम के लिए यार, आज के दिन बहुत ही मज़ा आ रहा है। अंडा फेंकने के लिए बोल रहा है मुझे और ये एक लास्ट ये। अरे यार प्रैंक कंप्लीट, अंडा फेंक के मैंने प्रैंक कंप्लीट कर लिया। ओके तो एक और बंदा भी आया है, बस यहाँ पे यही दिक्कत होता है कि यार बहुत लोग यार दिल में ले लेते हैं यार आज के दिन, यार छोड़ दिया करो दिल में ना लिया करो यार, दिल में ले लेते हो यार तुम अभी ऐसे। और यहाँ पे यार मेरे पास अंडा भी बहुत सा जमा हो गया, तो मैं रैंडमली कभी भी अंडा यूज़ कर सकता हूँ। ओके तो बेसिकली हम लोग को यार पांच प्रैंक करने होते हैं जिसमें से हम लोग ने दो प्रैंक कंप्लीट कर लिए हैं, तो यार और तीन प्रैंक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये वाला भी हम लोग का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और यार यहाँ पे एक और बंदा है जो मुझे यार कुछ काम करने के लिए देगा। तो वेलकम फूड, अरे यार ये कौन सा दे दिया यार काम। ओके ओके किसी के पास जाके फायर क्रैकर उड़ाना है। ओके तो प्रैंक कंप्लीट हो गया, जो मैंने फायर क्रैकर उड़ाया तो उस किसी के पास जाके उड़ाना था, तो हो गया वो भी हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग जाएंगे और हम लोग को सिंपली दो और काम करने हैं, दो लोगों के साथ और डील करना है। दो लोगों के डील करने के बाद ये हम लोग का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो थ्री स्टूडेंट के ऊपर ये बॉम्ब फेंकना है, तो चलो फेंक देते हैं। अरे यार लड़की के ऊपर फेंक दिया यार, क्या दिक्कत है। स्टिकी बॉम्ब तीन स्टूडेंट के ऊपर फेंकना है। ओके मैं लास्ट एक बचा, प्रैंक कंप्लीट हो गया। तो हम लोग यार चार प्रैंक कंप्लीट हो चुका, सिर्फ एक प्रैंक बचा हुआ है, वो जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करना है। और यार ये हो जाएगा हेलोवीन का रात हम लोग का शानदार, और प्रैंक भी हम लोग का सारा हो जाएगा कंप्लीट। तो चलो यार एक प्रैंक बस, एक यार रुक जाओ आराम से एक कंप्लीट कर लो, दिक्कत नहीं होगा यार, सिर्फ एक कंप्लीट कर लो। और यार बहुत ईजी सा देना यार। अच्छा किसी के मतलब कि नीचे फेंकने के लिए है जिससे सब गिर जाएगा, और यार ये भी गिर गए। चलो हम लोग का यार यह भी पास हो चुका है,
और हम लोग ने भी यहाँ भी पास कर लिया है। ओके, तो देख सकते हैं हम लोग ने ये वाला भी मिशन पास कर लिया। तो आई होप हम लोग यार यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको यार ये हम लोग का सीरीज अच्छा लगता है, गेम प्ले वाला सीरीज अच्छा लगता है, तो प्लीज़ यार अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाइए। और यार मैं आपको सारा वीडियो में नहीं कहता, तो यार मैं इस वीडियो में कहता हूँ कि यार प्लीज़ ये वीडियो को दोस्तों लोग को शेयर कर दीजिएगा अगर आप नहीं करते हैं, और नीचे जाके लाइक कर दीजिएगा अगर चैनल में नहीं, तो यार सब्सक्राइब करके मत जाइएगा, क्योंकि यार हम लोग यहाँ पर सारा गेम को गेम प्ले करने वाले। बेसिकली अगर आपका फेवरेट गेम है तो उसका भी गेम प्ले ज़रूर आएगा, और अगर आपका बुली एनिवर्सरी का गेम प्ले अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको यार अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, मैं आगे जाके और कंटिन्यू करूँ भी कि नहीं कंटिन्यू करूँ, तो नीचे यार जरूर जाके कमेंट करिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरीके से कोई और गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए टिल बाय बाय।